कालादम मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च चनाब पुल के करीब पहुंच गया। चनाब पुल रेड लाइन करार, रेड लाइन क्रॉस करने वालों को गोली मारने का हुक्म। दूसरी तरफ मजहबी जमात के सरबराह और हुकूमत के माबैन मुजाकरात जारी। जीटी रोड की बंदिश से फूड सप्लाई बंद, पेट्रोल पंप और ताजिर मुतासिर। मुजाकरात नाकाम हुए तो क्या चनाब पुल पर ग्रैंड ऑपरेशन होगा? इस हवाले से देखिए आवाज न्यूज की ये रिपोर्ट। कालादम मजहबी जमात का इस वक्त काफिला जो है वो गुजरात के करीब पहुंच चुका है। वजीराबाद से चलने वाला ये काफिला अब बिल्कुल गुजरात के करीब है और हम आपको बताते चलें कि चनाब पुल पर जो है इस वक्त भारी तादाद में जो है नफरी मौजूद है पुलिस की और इसके साथ रेंजर्स भी मौजूद है। और ये भी मालूम है कि डॉल्फिन पुलिस जो है इसे भी वहाँ पर मंगवा लिया गया है। डॉल्फिन की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है। खास तौर पर आठवां दिन हो चुका है, आठ रोज से मुकम्मल तौर पर जीटी रोड पर ट्रैफिक बंद है। गुजरांवाला वजीराबाद से लेकर रावलपिंडी तक तमाम जीटी रोड के जो तलीमी अदारे हैं उनको भी अब बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम गुजरात के लारी अड्डा पर मौजूद हैं। आज खास तौर पर ट्रैफिक ना होने के बराबर, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो गाड़ियां हैं यहाँ पर लाहौर जाने वाली गाड़ियां भी जा रही हैं, मगर ये कौन सा रास्ता है इख्तियार कर गए? जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि जलालपुर जट्टा शहबाजपुर के मुकाम से बाहर जो साइड है हम जाते हैं उधर से जा रहे हैं, और कुछ हेड हानकी की तरफ से बताया गया कि वो रास्ता खुला है। लेकिन जो शहर के अंदर है आज यहाँ भी ट्रैफिक के मसाइल जो है दिखाई दिए हैं। आज ये काफिला जो है लॉन्ग मार्च का गुजरात में दाखिल हो पाएगा या नहीं, ये तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी के बाद ही असल फैसला सामने आएगा। मगर चनाब पुल पर रेंजर्स की तरफ से बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं और चनाब पुल को जो है रेड लाइन करार दिया गया है, और बैनर्स पर अवेजा है कि अगर किसी भी शख्स ने इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई तो उसे गोली मारने का इख्तियार भी जो है वो हसास अदारा के लोगों को जो है वो दिया गया है। तहम पुलिस जो हम देखते हैं कि वो तो गैर मुसल्ला है, उनके पास डंडे सोटे ही नज़र आते हैं। लोग इस वक्त सख्त परेशान हैं कि तमाम कारोबार बंद है और खास तौर पर फूड सप्लाई जो चेन है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। सब्जियां, फल, हाम माल लाने वाले जो हैं तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक चुकी है। और इसके साथ पेट्रोल पंप्स जो हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि पेट्रोल शार्ट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ऑयल टैंकर्स जो हैं वो नहीं आ रहे, और आइंदा चंद रोज में यकम को पेट्रोल की कीमत में इजाफा का भी अमकान जो है ये जाहिर किया जा रहा है। आज या कल, आज बरोज हफ्ता या कल एतवार को इसका ड्राफ्ट सीन होने वाला है। इस सिलसिले में मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कौम से ख़ताब भी करेंगे। लोग इंतहाई परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि इसका जल्द अज हल निकाला जाए ताकि आठ रोज़ से जो लोग परेशान हैं उनके मसाइल हल हो सकें। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्यास। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।